एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स ग्रो। इग्नू जुलाई 2024 सेशन में जो न्यू एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि अपना एडमिशन हमने इग्नू में जुलाई में लिया है या फिर अगस्त महीने में करवाया है तो सभी का एग्ज़ाम कब होगा। तो ये सब बच्चों के कमेंट्स आए थे कि उनका एग्ज़ाम कब होगा और उनको असाइनमेंट्स कब सबमिट करने हैं। ठीक है, तो अब मैं इस पर ये बता देना चाहती हूँ कि चाहे आपका एडमिशन जुलाई का हो या फिर अगस्त का हो, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। तो आपका जो सेशन है ना, जो जुलाई एडमिशन चाहे आपने जुलाई में लिया है या अगस्त में लिया है, लेकिन जो सेशन होगा ना आपका वो जुलाई माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और इसी के आधार पर आपका एग्ज़ाम होगा, उसी के आधार पर आपका असाइनमेंट भी सबमिट होगा। ठीक है, तो अब सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे एडमिशन अगस्त में ले रहे हो चाहे जुलाई में ले रहे हो, सेशन आपका जुलाई ही माना जाएगा। ठीक है, अब डिटेल में इस टॉपिक पर बात करते हैं कि इन दोनों मंथ्स में एडमिशन लेने वालों का एग्ज़ाम कब होगा और असाइनमेंट उनको कब सबमिट करने हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर लाइक एंड कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो इस पर आप थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कमेंट आएगा या आप लोग सोचोगे कि जुलाई सेशन में एडमिशन तो ले लिया, ठीक है, लेकिन अब हमारे जो एग्ज़ाम है और जो असाइनमेंट्स का है उस पर हम डिटेल में बात करने वाले, तो वो कब होने वाले हैं। देखो, ऐसा होता है कि इग्नू में दो प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, टू टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। एक तो होता है जिसको बोलते हैं सेमेस्टर कोर्स, ठीक है, एक तो सेमेस्टर कोर्स होता है और एक होता है ईयरली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो इसमें होता क्या है कि जो सेमेस्टर होते हैं, यानी कि सेमेस्टर वाले कौन से प्रोग्राम होते हैं, तो सेमेस्टर का क्या मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं उनका एग्ज़ाम जो है वो हर छः मंथ में होता है, सिक्स मंथ में होता है। ठीक है, और जो ईयरली वाले होते हैं इनका तो होता है सिक्स मंथ में, और जो ईयरली वाले बच्चे होते हैं उनका ईयरली ही होता है। ठीक है, ओके। और जैसे कि अच्छा सेमेस्टर में कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं, जैसे बीसीए हो गया, ठीक है, बीसीए होता है, एमसीए होता है, और सिक्स मंथ के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, कोर्स एमएससी के कुछ कोर्स होते हैं उसमें से, तो एमएससी, यस, गॉट इट। तो ये कुछ कोर्सेज होते हैं जो सेमेस्टर बेस पर चलते हैं और इनके एग्ज़ाम जो होते हैं वो एवरी सिक्स मंथ होते हैं, बट ईयरली के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, सेमेस्टर इनका एग्ज़ाम भी अच्छा, कुछ मैनेजमेंट के भी कोर्स होते हैं उनका भी सिक्स मंथ के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अच्छा ईयरली में क्या होता है कि ईयरली जो प्रोग्राम होते हैं उनका साल में सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। और इसी टॉपिक पर अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो आप अपने स्टडी सेंटर पर ज़रूर जाना, वहाँ पे एक बार विजिट ज़रूर कर लेना ताकि जो भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं वो आप वहाँ पे जाके आपने क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका जो मतलब सेमेस्टर बेस तो होते ही हैं और उनका एग्ज़ाम भी सिक्स मंथ एवरी सिक्स मंथ में होता है। ठीक है, लेकिन कुछ सिलेबस या कोर्स ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस बेसिक सेमेस्टर बेस्ड हो, ध्यान से सुनना, बट उनका एग्ज़ाम ईयरली होता है, ये भी चीज़ ध्यान में रखना, हर साल होता है। फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों सेमेस्टर मिला के जैसे क्या होता है बीए के कोर्सेज हो गए, ठीक है, जैसे बीए के कोर्सेज हो गए, बीए ऑनर्स हो गए, बीए ऑनर्स हो गया, एंड और एमए के कोर्स हो गए, एमएससी, एमए, ठीक है, एमएससी, ये कोर्स हो गए, और एमएससी के कुछ कोर्सेज हो गए डिप्लोमा, जैसे एक साल का कोई डिप्लोमा होता है तो इनका एग्ज़ाम जो है वो एक साल का होगा। ठीक है, इन इन सब के एग्ज़ाम जो हैं वो ईयरली होंगे, गॉट इट। और आप जो आप लोग सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में जो एडमिशन लेंगे उनका एग्ज़ाम होगा दिसंबर 24, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप सबके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो लगभग 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। आप ये मान के चलो कि 1 दिसंबर से, हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आप सभी के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिसंबर 2024 में आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई 2024,
जुलाई 2024 सेशन में सेमेस्टर कोर्स में लेते हैं। तो देखो ईयरली कोर्स वालों का तो ये होता है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आप सभी का जून 2025 में होगा। पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं, ईयरली कोर्स वालों का जो एग्ज़ाम होगा वो जून 2025 में होगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स जुलाई 2024 में के सेशन में एडमिशन लेते हैं ईयरली कोर्स में, उनका तो एग्ज़ाम हो गया जून 2025 में। बेसिक इनका नाम जुलाई 2024 सेशन हो, लेकिन एग्ज़ाम आप सभी का जो है वो ईयरली ही होगा, चाहे सेशन ये हो और आप, लेकिन अगर ईयरली प्रोग्राम है सेशन जुलाई ही है तो भी आपका एग्ज़ाम जून 2025 में ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये हर साल होते हैं। ईयरली प्रोग्राम है तो इग्नू में जो ईयरली प्रोग्राम्स होते हैं उनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो साल में एक ही बार होते हैं, ठीक है। तो जून के जो फर्स्ट वीक में आप सबका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, यानी एक हर साल होगा, तो जून 2025 में आप सबका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि सभी का जो एग्ज़ाम है वो कब शुरू होना है, बेसिकली जून में ही होना है, ठीक है, ईयरली कोर्स वालों का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग असाइनमेंट का, कि असाइनमेंट आप सभी का कब सबमिट होने हैं, असाइनमेंट्स का, कि अब आप लोगों के असाइनमेंट्स कब सबमिट होंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट का क्या होता है कि असाइनमेंट आप सभी का कब जमा होगा, जो स्टूडेंट सेमेस्टर कोर्स के लिए है जुलाई 2024 में, जिनका एडमिशन हुआ है सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में, और इनका असाइनमेंट जमा करने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 30 सितंबर, ओके 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी, और या फिर मान के चल सकते हो इसको आगे भी एक्सटेंड किया जाएगा, तो इसको 31 अक्टूबर तक आप इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। 31 अक्टूबर हो गया, ये दोनों डेट जो है ये दोनों ही मैक्सिमम डेट रहती है एवरी ईयर। तो कुछ क्वेश्चन पेपर 30 सितंबर जैसे कुछ क्वेश्चन पेपर आएंगे उन पर 30 सितंबर लिखा रहता है, कुछ क्वेश्चन पेपर पर 31 अक्टूबर 2024 लिखा रहेगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 30 सितंबर वाला लास्ट डेट एक्सटेंड होके ना वो 31 अक्टूबर तक हो जाता है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस आएगा तो उसको भी मैं बता दूँगी थ्रू एनी वीडियो। तो असाइनमेंट्स का भी समझ में आ गया होगा कब कराना है कैसे करवाना है, कि असाइनमेंट जुलाई 2024 सेशन वालों स्टूडेंट्स का 30 सितंबर या 31 अक्टूबर तक आप सबको असाइनमेंट जमा करने हैं, और आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईयरली स्टूडेंट्स का। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने ईयरली कोर्स में एडमिशन लिया है उनके जो असाइनमेंट्स होते हैं वो होंगे 31 मार्च 2025 तक आपको सबमिट करने होंगे, गॉट इट, ये लास्ट डेट रहती है। और कई बार क्या होता है कि इस सेशन वालों के लिए जब जो आप असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर होता है उस पर 30 अप्रैल 2025 लिखा होगा मिल जाएगा, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें इसका भी जो लास्ट डेट है वो एक महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, 31 के बाद सीधा 30 अप्रैल तक उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना कि डेट क्यों इस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब समझ में तो आ गया होगा कि आप सबका एग्ज़ाम कब होगा, असाइनमेंट कब सबमिट करने हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा। तो देखो 6 जून 2025 में अपना एग्ज़ाम देंगे, उनका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो मार्च के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, ठीक है, यहाँ तक आ जाता है, ऑनलाइन आ जाता है। जितने आपके सब्जेक्ट यानी एग्ज़ाम होंगे ना, मान लो आपके छः पेपर हैं आपके, तो आप सभी को आई थिंक 200 पर सब्जेक्ट कुछ फीस होती है, तो आप मान के चलो इतनी आपकी फ़ीस लगेगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ क्या होती है कि जो लेट फीस अगर आप दोगे ना तो लेट फीस भी लगती है कई बार, अगर मान के ये मान लेते हैं कि 1.5-2 महीने तक लास्ट डेट एक्सटेंड होती ही रहती है, इसके बाद भी अगर होता है, लेकिन लेट फीस जो है वो इग्नू फिर स्टार्ट कर देता है लेना, तो लेट फीस होती है 1100 रुपये, ठीक है, ये लेट फीस रहती है। तो आप सबकी जितनी भी लेट फीस लगेगी वो आप देख लो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, तो बेटर होगा कि लेट लास्ट डेट से पहले ही एडमिशन और एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा, ये जून 2025 में अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो सेमेस्टर वालों का, तो इनका भी तो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो सितंबर मान के चलो सितंबर के सेकंड वीक तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप सभी का एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2024 में तो होगा ही, तो निश्चित तौर पर आप सब समझ गए होंगे कि जो जुलाई 2024 सेशन में अपना एडमिशन ले रहे हैं इग्नू में उनका एग्ज़ाम कब होगा सेमेस्टर वालों का, और दिसंबर 2024 में ईयरली वालों का होगा
सेमेस्टर वालों का दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम होगा, और जो ईयरली बेस्ड है उनका जून 2025 में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, असाइनमेंट भी सबमिट, अच्छा असाइनमेंट कब सबमिट होंगे आपके, 30 सितंबर या 31 अक्टूबर 2024 का, और ईयरली कोर्स वालों का 31 मार्च 2025 या 30 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में हैं और उनके जो असाइनमेंट सबमिट होंगे वो 31 मार्च और उसके बाद थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड किया जाएगा, तो आप 30 अप्रैल तक 2025 तक आप अपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर सकते हो, आपको टाइम मिलेगा। तो आई थिंक मैंने एग्ज़ाम असाइनमेंट्स और जो हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है, बाकी अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।